Hello, my dear economist. This is Hari Krishna Mallik from Economic Classes. Last video आजीर वीडियो भीतरे बहुत गैप रह गला, so sorry. But today I will discuss about an interesting topic. Okay, तो भाई मुझे गोटे interesting topic धरी आछी. What is the demand? Okay, the chapter demand. तो हमें whole economics दुईटी subject, दुईटी important subject उपरे आधारित गोटे है डिमांड आ गोटे है सप्लाय. ओके जदि आम कहते जे इकोनॉमिक्स जदि गोटे मुद्रा हुए दुईट पार्श्व गोटे डिमांड आ गोटे सप्लाय. ओके डिमांड आ सप्लाय आम सी डिमांड विषय पढ़ा व्हाट इज डिमांड देन द लॉ ऑफ डिमांड. ओके तो आज आम फर्स्ट पढ़ा द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. हाँ डिमांड कौन चाहिदा कौन और द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. ओके देखो सिंपली लोक मैंने साधारण मनुष्य मैंने भाविंट जदि आम कौन से एक द्रव्य को चाहती कौन से एक द्रव्यर डिजायर करती तेरे डिमांड कह जाए. सिंपल लोक मैंने साधारणतः लोक मैंने हमती द डिजायर ऑफ ए कमोडिटी है को कमोडिटी गुड्स तुम द्रव्य बदल कमोडिटी टर्म यूज कर गुड्स टर्म यूज कर साधारण लोक मैंने साधारणतः लोक मैंने व्यवहार करते डिजायर ऑफ ए गुड इज 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 डिमांड. साधारण लोक मैंने कहते चाहिदा कौन कौन से एक द्रव्य को चाहिए कौन से एक द्रव्य को विश करवा कौन से एक द्रव्य को इच्छा करवा डिमांड कहुए. नो इकोनॉमिक्स रे देखो आम इकोनॉमिक्स रे पढ़ी व्हाट इज वांट अभाव क्या कहुए डिजायर ऑफ ए गुड्स डिजायर ऑफ ए गुड डिजायर ऑफ ए कमोडिटी तुम पढ़ी इकोनॉमिक्स रे अभाव कौन अभाव हूँ कौन से एक द्रव्य पाइबार इच्छा कौन से एक द्रव्य को पाइबार इच्छा को अभाव कहुए वांट कहुए. अर्थशास्त्र रे चाहिदा कौन टिके अभाव टिके अलग से कहे अर्थशास्त्र रे चाहिदा कहले आम कौन बोली बुझा अर्थशास्त्र रे चाहिदा कहले इफेक्टिव डिजायर ऑफ ए कमोडिटी. देखो ये गोटे टर्म अच्छी कौन ना इफेक्टिव डिजायर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड इफेक्टिव डिजायर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड डिमांड. सिंपल कथा से कहे कौन ना फलप्रद चाहिदा अर्थशास्त्र रे चाहिदा मीन्स फलप्रद इच्छा को चाहिदा कह जाए फलप्रद इच्छा इफेक्टिव डिजायर ऑफ ए कमोडिटी फलप्रद इच्छा. सर तुम मन में क्वेश्चन उठुव सर फलप्रद इच्छा माने कौन ये सर न आम पढ़ी कौन से एक द्रव्य को पाइबार इच्छा को अभाव कह जाए. एवं सर आप कहले कौन से एक द्रव्यर फलप्रद इच्छा को अभाव कह जाए ये सर न फलप्रद का इफेक्टिव डिजायर पुणी कौन इफेक्टिव डिमांड पुणी कौन ये सर न वेरी गुड. देख मुझे गोटे एग्जांपल दूची जे तुम्हें जदि तुम पाखे पैसा अच्छे पेमेंट करने तुम पाखे पैसा अच्छे तुमको कौन से एक द्रव्य किनवाई तुम मन इच्छा अच्छी अभाव अच्छी तुम मन अभाव अच्छी तुम पाखे पैसा भी अच्छे तुम मार्केट को जाइ तुमको से द्रव्य किनवाई इच्छा अच्छी से द्रव्य किनवाई जी टा दरकार तुम पाखे अच्छी से द्रव्य को किणला बेले जी पैसा दवा कथा से पैसा दवापाई से पैसा दबार भी इच्छा तुम पाखे अच्छे मो कथा केयरफुल शुण मु कौन कौन कह तुम पाखे आबिलिटी अच्छी तुम पाखे आबिलिटी अच्छी पे करवाई तुम पाखे आबिलिटी अच्छी तुम पाखे आबिलिटी अच्छी जे कौन ना से जो पे रिजायर पे करवाई इच्छा तुम पाखे भी अच्छी मो कथा बुझुच कि ना दीटा कथा मुझे कहली मो पाखे पेमेंट अच्छी मुझे पेमेंट दे कि कौन से गुड़ किणवि. ओके पुणी से पेमेंट को दवापाई मोर इच्छा थी दरकार ना मो पाखे पेमेंट अच्छी से गुड को किनवाई पेमेंट अच्छी पुणी से गुड को किणवाई पेमेंट दवा को इच्छा थी दरकार ना दीटा कथा ये सर न नेक्स्ट तापर कौन कह मोर से गुड़ को किनवाई इच्छा थी तीन टा कथा लक्ष्य कर मुझे तीन टा कथा कहली प्रथम कहली जे आबिलिटी टू पे ताने मो पाखे एमाउंट थी जे मु कौन करी ना पे करने कौन से द्रव्य किणवाई एमाउंट थी ये सर न नेक्स्ट टू रे मुझे कहली कि तुमको कौन ना पेमेंट करने डिजायर मो पार थे पेमेंट आबिलिटी थिला परे मोर दबार इच्छा हवा दरकार ना ताने पेमेंट करिवार डिजायर फॉर पेमेंट एंड एट लास्ट कौन ना डिजायर फॉर गुड्स कमोडिटी इटा इम्पोर्टेंट एक तुम फास्ट भी लिखि पार ना फास्ट लेख को वन लेख डिजायर ऑफ ए कमोडिटी
ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ସେ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାଇବାର ବା କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆବିଲିଟି ଥିବ, ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ଏବଂ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବା କିଣିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସାକୁ ଦେବାର ମୋ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୋ ତ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଫର୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରଚେଜ କରୁଛି ବା ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ କିଣୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଚାହିଦା କୁହାଯିବ। ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ସିମ୍ପୁଲ କଥା। ଚାହିଦା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନା ସେ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆବିଲିଟି ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାମାନେ କଞ୍ଜୁସ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ସେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରଚେଜ କରୁଛି, କିଣୁଛି, ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ୟା ଭିତରୁ ଏଇ ଚାରୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଚାହିଦା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯଦି ଚାରୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରହିଗଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଦେନ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ତାହେଲେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଫୋର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଜାୟର ଫର୍ ଏ କମୋଡିଟି, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ପେ, ଥାର୍ଡ ଡିଜାୟର ଫର୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ପରଚେଜ। ପରଚେଜ ମଷ୍ଟ, ପରଚେଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିପାରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ଡିମାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ପରଚେଜ। କ୍ଲିଅର? ପରଚେଜ ଡିମାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ପରଚେଜ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କର୍କୁ ଆମେ କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ମାର୍କର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇ ମାର୍କର୍କୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଯଦି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଫୋନ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ଏକୁ ଯଦି ଆମେ କିଣିଥିବା, ଯଦି ଇଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଓନ୍ କରିଥିବା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରି କିଣିଥିବା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବା ଚାହିଦା କରିଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ତାହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜାୟାର, ଡିମାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡର ଏଇ ଚାରୋଟି କ'ଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଚାରୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଚାହିଦା କହିଲେ ବା ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଆଟ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ ଆଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣ କ'ଣ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରଚେଜ ହୁଏ। ଦେଖ, ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିଲି, କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବଜାରରୁ କିଣାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ନା ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ବଜାର ଟର୍ମଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କଲେ କରିପାରିବ, ନକଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରୁ ଆମେ କେବଳ ଜିନିଷ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ କହୁଛି ସମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ
कौन करते हमें परचेज करती ताको कौन बोली कहा जाए डिमांड बोली कहा जाए सिंपल कथा डिमांड कौन डिमांड डिमांड हो चाहिदा हो कौन एक निर्दिष्ट द्रव्य एक निर्दिष्ट दर रे एक निर्दिष्ट समय रे द्रव्यर जो परिमाण कौन हुए ना आम क्रय कर आमे क्रय करिथांती परचेज करिथांती ताको कोन बोली कहा जाए ताको चाहिदा बोली कहा जाए बा डिमांड बोली कहा जाए यस और नो वेरी गुड देखो डिमांड जते बेले आमे कोनोसी डिमांड रे एग्जांपल दियंती आमे कोनोसी चाहिदा रो उदाहरण दियंती सेठी आमे कोन करंती ना सेठी किछि जिंसो ता सहित ऐड हे गेसे का सहित से एग्जांपल सहित फॉर एग्जांपल जदी मु तमु कहबी जे भद्रक मार्केट रे ओके जदि मु तमु कहिबी जे भद्रक मार्केट रे बा भद्रक रे 20 केजी चाहिदा हिच भद्रक रे 20 केजी माछ चाहिदा हिच मु त बुझी परछ कि नै तो भद्रक रे 20 केजी माछ चाहिदा हिच जदि मु एई जो सेंटेंस टा कहिली ए सेंटेंस टा कु केही पाखाबाखी हम ए सेंटेंस टा इनकम्प्लीट लागुची ए सेंटेंस हम कम्प्लीट लागुनी मोदा बुझी पाइले कि नाही ता माने जदी मु सेंटेंस कहबी तमे तमे किछि बुझी पाइले कि जे भद्रक रे हां सर भद्रक रे कोडे किछि चाहि जाय छी अरे केते टंका दर रहै छी जानि छौ कि को दिन होइ छी जानि छौ कि हां कि ना बुझी परछ नै मो कथा वेरी गुड ता माने मु त मु कहि देले भद्रक रे कोडे किछि माछ माछ चाहि जाय छी त बुझी होलो ना हां सर माछ चाहि जाय छी केते टंका रे केते केजी रे जानिलो कि जानिलो नि तणो डिमांड सहित टाइम आ क्वांटिटी आ प्राइस ये ऐड हे गेसे डिमांड सहित के ऐड हे गेसे ना टाइम क्वांटिटी सॉरी क्वांटिटी आउ प्राइस ए तीनोटी ऐड हे गेसे तने डिमांड सहित ए तीनोटी कंपलसरी ऐड हे गेसिबो त माने हम जे एग्जांपल दबो ए तीनोटा को नै के एग्जांपल दबो फॉर एग्जांपल गोट एग्जांपल मु दउची तबर तमे आ गोट एग्जांपल कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करिवो देखो फर्स्ट प्राइस टाइम आउ क्वांटिटी मु तमको कहिबी जे भद्रक मार्केट रे शनिवार दिन मो कथा सब समस्त को क्लियर भद्रक मार्केट रे शनिवार दिन ताने सटरडे शनिवार दिन कौन है ना 150 टंका दर रे 150 टंका दर रे 20 केजी माछ बिक्री है माछ किणा जाई चाहि जाई तब मु तुमको कौन कहली भद्रक मार्केट रे कौन ना शनिवार दिन 150 टंका दर रे केजी प्रति 150 टंका दर रे 20 केजी माछ बिक्री छ 20 बोतल माछ बिक्री छ जहा तमे नि एग्जांपल बुझी पाले मो कथा त एठी चाहिदा सहित किए किए आडे के आसीले प्राइस टाइम क्वांटिटी ए माने कंपलसरी आसीबे जदि तमे जदि चाहिदा रे एग्जांपल देला बेले जदि तमे तीनटा को ऐड न करिछ तबे से एग्जांपल भूल तेणु आम के तीन टू आम आड करके लिखते पड़ो कौन ना चाहिदार एग्जाम्पल देला बेले यस और नो वेरी गुड देखो आम साधारण ये चाहिदा कला बेले जो टाइम प्राइस और क्वांटिटी को आड करके आनी था देखो आम तो आज देखीदे कौन ना चाहिदार डेफिनेशन तो तुम्हें चाहिदार डेफिनेशन को निज खात लेखि मत तुम आम जो इकोनोमिस्ट ग्रुप अच्छी डियर इकोनोमिस्ट ग्रुप से ग्रुप में मत सेंड करो ना तुम कमेंट बॉक्स रे भी मत चाहिदार संज्ञा मत लिखिक दियो कहीं तुम आज गोटे मात्र काम केवल चाहिदार संज्ञा मन रखे ओके यस और नो वेरी गुड थैंक यू।